बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप यू बी फाइन। आज मैं आपके सामने जिस चैप्टर के साथ हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक बुक डी 3, और उसमें हम आज सीखने वाले हैं कि ग्रेडियंट किसी भी लाइन का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अर्लियर वीडियो में हमने ये अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि ग्रेडियंट होता क्या है, किसी भी लाइन का स्लोप, कि किसी भी लाइन का वो रेशियो कि एक लाइन एक्स एक्सिस पर अगर एक यूनिट ट्रेवल करे तो उसके रिटर्न में वाई एक्सिस पे वो कितना ज्यादा ट्रेवल करेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं डिटेल में। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन फाइंड करने में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लिया करें। और अगर मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसके अंदर सारे आपके पास क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के साथ आपके सीक्वेंस वाइज मौजूद है। ठीक है बच्चों, हम आज करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास कुछ लाइन का अंबार है और हमसे कह रहे हैं द पॉइंट्स A01B71C60D05 and E64। 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और कितनी लाइन दी गई है? 4 लाइन्स दी गई है, आर शोन इन द डायग्राम, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपसे कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। कितने लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास? AB नंबर 1, AE नंबर 2, BC नंबर 3, DE नंबर 4। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट नंबर 1, दैट इज AB। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, जो A और B के पॉइंट्स आपको गिवन हैं। उसके अंदर जो A के पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 ले लेंगे और जो B के पॉइंट्स होंगे वो x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं x1 y1 =। ठीक है, हम x1 y1 कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं? जो A के ऊपर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज 0 1, और x2 y2 = B के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हम ले लेंगे यहाँ पर, और B के पॉइंट्स हमारे पास है 7 1। ठीक है, अब हमारे पास x1 भी आ गया है, y1 भी आ गया है, x2 और y2 भी आ गया है। अब सिर्फ हमें सिंपली क्या करना है कि ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है बच्चों, कि ये जो रेशियो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें हमेशा आपके पास जो चेंज है y एक्सिस का वो न्यूमरेटर में आएगा और जो चेंज है x एक्सिस का वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो चेंज हुआ है उसके रिटर्न में y एक्सिस में कितना चेंज हुआ है, इस रेशियो को ये ग्रेडियंट बता रहा है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, जो वैल्यूज हमने यहां पर पुट की है उन्हें इस फॉर्मूले के अंदर लिख लेंगे। y2 हमारे पास है 1, y1 है हमारे पास 1, x2 है हमारे पास 7 और x1 है हमारे पास 0। 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 1 7 माइनस 0 7। जब भी न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा तो आंसर क्या होता है? 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके अंदर कोई स्टीपनेस नहीं है, इसका कोई स्लोप नहीं है। जब भी आपके पास न्यूमरेटर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि x चाहे कितना भी ट्रेवल कर ले, y के ऊपर ये लाइन कहीं नहीं गई, इसका y एक्सिस स्टेगनेंट है, अपनी जगह पर है। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आपके पास ये लाइन AB जो दी हुई है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस पर ये मूव ही नहीं हुई है। ठीक है, जब आपको ये बात समझ में आ गई तो इसी तरह से हम बाकी लाइंस का भी ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था AB का, इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे हम AE, BC और DE का। ठीक है, अब आ जाइए ग्रेडियंट मालूम कर लेते हैं हम नंबर 2, दैट इज AE। ठीक है, इसके लिए अब इसमें हम A के जो पॉइंट्स हैं उसको कर लेते हैं वही जो हमारे पास यहाँ पर A के पॉइंट्स है, दैट इज 0 और 1, और x2 y2 हमारे पास यहाँ पर E के पॉइंट्स हैं और वो हमारे पास हैं 6:4 के। ठीक है, जब ये चीज आपको क्लियर रहेगी तो आपको फॉर्मूले में पुट करना कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आपके पास यहाँ पर m जो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 हमारे पास है 4, y1 है हमारे पास 1, x2 है हमारे पास 6 और x1 है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 3/6, इसको सिंपलीफाई करने से बन जाएगा 1/2। ठीक है, ये स्लोप का मतलब ये है कि x एक्सिस पे हर 2 यूनिट के बदले में y एक्सिस के ऊपर जो चेंज आएगा वो सिर्फ 1 यूनिट का आएगा। और ज्यादातर रियल लाइफ के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास
जो स्लोप होता है वो 1 से स्मॉलर डी होता है, ठीक है। जितना ज्यादा डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा उतना ज्यादा आपका जो स्लोप है वो कम स्टीप होगा, ठीक है। यानी कि ये स्लोप कुछ इस तरह का होगा, ये स्लोप इस तरह का नहीं होगा, और आप यहाँ पर इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ बी एंड सी, उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं x1 y1 जो पॉइंट्स हमारे पास d के हैं दैट इज 0 एंड 5, और x2 y2 हम ले लेते हैं x के अंदर जो c पर है हमारे पॉइंट दैट इज 6:0, ठीक है। अब आप यहां पर पुट कर लीजिए ग्रेडियंट मालूम करने के लिए, y2 हमारे पास 0, y1 है 5, x2 है 6 और x1 है 0। अच्छा बच्चे इस चीज का ध्यान रखना, आपको बता दूं कि आप चाहे x1 y1 d के पॉइंट्स को लें या c के पॉइंट्स को लें, यानी कि आप शफल कर दें, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 को आपस में चेंज कर दें, तभी आपका जो आंसर है जो आपका आफ्टर इफेक्ट है वो सेम ही आए, इसलिए इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है 6, इसका मतलब हमारा ग्रेडियंट क्या है, -5/6। उसके बाद हमारे पास रह जाता है डी और ई का ग्रेडियंट, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम x1 y1 ले लेते हैं d के पॉइंट्स को दैट इज 0 एंड 5, और x2 y2 हम ले लेते हैं e के पॉइंट्स को, और वो है हमारे पास 6 एंड 4, ठीक है। इसको आप पुट कीजिए फॉर्मूले के अंदर, y2 हमारे पास है 4, y1 है 5, हमेशा बाद वाली वैल्यूज y की होती है, ठीक है, और x2 है हमारे पास 6 और x1 है हमारे पास 0, तो यहां से आएगा -1/6। दिस इज द ग्रेडियंट, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2 विद ऑल द ग्रेडियंट्स ऑफ ऑल 4 लाइंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया। इस पर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर एंड बाय।